आपका नाम भाई साहब? जी ओमकार। ओमकार, ओमकार जी ये बताइए, आपने हम लोगों को बुलवाया, आपको क्या समस्या? समस्या साहब, इस कोयला फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इससे जो कटर मशीन चलती है तो इससे गर्द उड़ के आती है बहुत दूर तक, पूरे गांव में, पूरे गांव को ही परेशानी है साहब। उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, आंगन में खाना नहीं खा सकते हैं, कूड़ा उड़ उड़ के गिरता है, धुआं आता है साहब, खांसी आती है, बलगम आती है। तो इसकी जानकारी आपने प्रधान को दी? हाँ जी, प्रधान को हमने दी तो प्रधान ने ये कह के टाल दिया कि आप बग्गा साहब से ही बात करें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, तो बग्गा से बात करी आपने? हाँ, बग्गा जी से बात हमने करी, कई लोग हम गए थे, इकट्ठे होके गए थे, तो उन्होंने कहा मैं अपना इंतजाम कर लूँगा, यह मशीनें हटा के उधर लगवा दूँगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो नहीं होने पर फिर आपने किसी अधिकारी को इस विषय पर जानकारी दी? हाँ जी, हम तहसील दिवस में डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ हमने अपनी सब लोगों से अंगूठा साइन करवा के वो फाइल दी थी और जो कुछ लिखना था इसके बारे में वो लिख के, लेकिन आज तक कोई वो नहीं आई। उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी हमने यहाँ से रजिस्ट्री की थी, उसकी भी कोई वो नहीं आई, मतलब ना ही वापस आई और ना ही उसकी कोई जांच आई, और थाने में भी दिया था हमने। तो कुल मिला के आपको कहीं भी हाँ कहीं परेशानी का हल नहीं हुआ? हाँ, कहीं सफलता नहीं मिली हमें साहब, पूरे गाँव को, हम लोग सब परेशान हैं साहब बहुत इससे। हमारे चैनल से आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि आप कोशिश करके इस चीज़ को हटवाएं, वरना हम लोग जो है पता नहीं गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे साहब।